नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 15 अक्टूबर 2024 को जारी हुई एडवाइजरी पर झारखंड में चुनाव के लिए निर्धारित तय तिथि व संबंधित आवश्यक निर्देशों को लागू कराने के तदर्थ उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दुमका के निर्वाचन शाखा द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे जिले के सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया प्रतिनिधियों के साथ प्रेसवार्ता आयोजित की गई। बताते चले कि झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 20 नवंबर बुधवार को चुनाव होना है, जिसमें उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आंजनेयलु दोड्डे के द्वारा जिला समाहरणालय के सभागार में पुलिस अधीक्षक व सभी संबंधित पदाधिकारियों तथा आमंत्रित मीडिया कर्मियों के साथ प्रेस वार्ता में निर्वाचन तिथि की घोषणा करते हुए पूरे जिले में आचार संहिता लागू कर दिया गया है। दुमका जिला उपायुक्त ने बताया कि जिलांतर्गत सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे चरण के तहत 20 नवंबर 2024 को मतदान होना है। प्रेस वार्ता के दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि 20 अक्टूबर से नाम निर्देशन प्रारंभ करने की तिथि है, जिसकी अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि है और 1 नवंबर को नाम वापसी की तिथि है। 20 नवंबर को मतदान की तिथि है और 23 नवंबर को मतगणना की तिथि है। दुमका उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव हेतु आदर्श आचार संहिता सख्ती से लागू हो, इसके लिए मीडिया प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। दुमका जिलांतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान और उस हेतु के दिशा निर्देश में दुमका जिला उपायुक्त और दुमका जिला पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, आइए जानते हैं। हमारे जिला में कुल 1157 बूथ है, जिसमें वोटर स्टेशन लोकेशन होगा 96। हमारा जो मतदाताओं की संख्या जो है 9,84,646 है, जिसमें मेल 4,85,951 है, फीमेल 4,98,680 है। अभी से हमारे जिला में पूरा 166 लागू हुआ और कोई भी रैली किसी तरफ का भी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है बिना परमिशन का नहीं होता है, और सरकारी संपत्ति के ऊपर हो किसी तरफ का पार्टी रिलेटेड एजेंडा या किसी तरफ का पार्टी रिलेटेड प्रचार प्रसार का मीटिंग नहीं रहना चाहिए। उन्हें प्राइवेट गाड़ियों में भी प्राइवेट घरों में भी बिना कंसेंट का ओनर का बिना परमिशन का नहीं लगता, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे लोकसभा में हम लोग पूरा राज्य में सबसे हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज किया, इस बार विधानसभा में भी इसी लेवल पर हम करेंगे। मुख्य रूप से बूथों का कैटेगरी किया गया है, जिसमें नॉर्मल बूथ हैं, वन एपल बूथ है, क्रिटिकल बूथ है और नक्सल क्रिटिकल बूथ है। चारों प्रकार के बूथों का यहाँ पर हम लोग वर्गीकरण किए हैं, और जैसा गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन का कि जो क्रिटिकल बूथ है उसका 100% हम लोग डिप्टेशन केंद्रीय बलों का वहाँ पर करने का हम लोग प्लान किए हैं। साथ ही जो दूरस्थ क्षेत्र है, जो पूर्व में कभी नक्सल क्षेत्र रहे हैं, वैसे जगह का इंडक्शन और डी इंडक्शन प्लान प्रॉपर तरीके से हम लोग किए हैं, और मतदान करने और सुरक्षा करने वहाँ तक सही तरीके से जाएँ, मतदान करा के आएँ, उसके लिए हम लोग आरोपी करने की व्यवस्था किए हैं। और QRT की काफ़ी संख्या में हम लोग हर एक थाना में 4-5 QRT का गठन किए हैं। निश्चित तौर पर हम लोग आश्वस्त हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव हम लोग भयमुक्त और बिना विघ्न बाधा के फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में सक्षम हैं। नक्सल प्रभावित जो बूथों का संख्या हम लोग लोकेशन 90 को रखे हैं, पूर्व में 100 से अधिक रखे थे, लेकिन फिर से आकलन करने के बाद 90 पर हम लोग अभी उसको लॉक किए हैं, और उसके अनुसार हम लोग उसका प्रॉपर डिप्टेशन प्लान तैयार कर रहे हैं। इंटर स्टेट चेक पोस्ट हम लोग 6 बनाए हैं, जो बीरभूम जिला से लगती है बंगाल की, और बांका जिला बिहार के बांका जिला से, जिसमें सरैया थाना पड़ता है, और 2 शिकारीपाड़ा थाना, 2 रानेश्वर थाना और 1 टोंगरा थाना, टोटल 6 इंटर स्टेट चेक पोस्ट हम बनाए हैं हम लोगों ने।
और वहाँ पर गहन चेकिंग होगी आने वाला समय में। वहाँ पर फोर्स का प्रतिनियुक्ति किया गया है, हम लोग अविलंब उसको शुरू करा।